हेलो गाइस, तो मैं आज आपके सामने लेकर के आई हूँ प्याज के पकौड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। आप शाम को इवनिंग में बच्चों को चाय पे ज़रूर दे सकते हैं और आप भी ज़रूर खा सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी रेसिपी, मैं आज इवनिंग में आई तो मैंने सोचा कि मैं प्याज के पकौड़े बनाती हूँ आज चाय पे। तो मैंने एक प्याज ले लिया और ग्रीन चिली ले लिया, उसको दोनों को अच्छे से कट कर दिया। अब मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है। रेड चिली पाउडर डालने के बाद मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट पसंद है तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया, आप अपने अनुसार सॉल्ट डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें लिया है बेसन। बेसन को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिएगा, तो क्योंकि अगर आप पानी डालोगे तो फिर ज़्यादा पतला ना हो पाए। अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लीजिएगा आप इसमें, ताकि वो प्याज को अच्छे से पकड़ ले, पकौड़ी अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से वो बन जाए, ताकि वो फ्राई करते टाइम टूटे ना। अब मैंने इसमें फ्राई पैन ले लिया, थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें पकौड़ियाँ डाल ली। अब देखिए ये पकौड़ियाँ देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।